Hello everyone, I'm Radha. I'm here with my presentation and today the topic of my presentation is objective type question जो हमारे UGC NET में पूछा गया जो objective type question है वो है Which narrative poem by Alfred Lord Tennyson presents the story of fisherman turned to merchant sailor who after a shipwreck is marooned on a desert island? जो हमारे अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई वो कौन सी नैरेटिव पोएम है जिसमें जो फिशरमैन है वो अपने शिपरैक के बाद वापस लौटता है तो उसकी जो लाइफ है वो डेजर्ट आइलैंड पर मैरून हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी बहुत ही बुरी दुर्दशा हो जाती है। तो ये पोएम कौन सी है? क्रॉसिंग द बार है, टिटोनस है, इनोचार्डन है, मोड है। तो इसका जो आंसर है वो है इनोचार्डन, और इनोचार्डन के बारे में अब हम जान लेते हैं। इनोचार्डन इज द पोएम बाय अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन। जो इनोचार्डन है ये पोएम है बाय अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन, अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ थॉमस वुलनर। ये थॉमस वुलनर की जो स्टोरी है उसके ऊपर बेस्ड है। इसका जो हीरो है वो एक फिशरमैन है, उसकी एक वाइफ है और तीन बच्चे हैं। फिर वो एक बार एक अपने कैप्टन के साथ सी वॉयज पर जाता है, समुद्री यात्रा पर जाता है और 10 साल तक गायब हो जाता है, वो वापस नहीं आता। तो उसकी वाइफ ये सोचती है कि उसकी डेथ हो गई है तो वो किसी और बंदे के साथ शादी कर लेती है। और 10 साल बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि जो उसकी वाइफ, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में खुश है। तो उसकी जो ये हमारी नैरेटिव पोएम है इसकी एक ट्रेजिक एंडिंग होती है। जो आर्डन है वो मर जाता है, ब्रोकन हार्टेड, उसका जो टूटे हुए दिल के साथ वो मर जाता है और अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को ट्रू आइडेंटिटी बताए बिना ही वो मर जाता है। तो आज जो हमने ये वीडियो बनाई है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में है। तो हमारे अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन की वो कौन सी पोएम है जो शिपरेक्ड, जो एक जो फिशरमैन के बारे में है जो शिपरेक के बाद जिसकी जो लाइफ वो बिल्कुल बदल जाती है, तो उसका आंसर इनोचार्डन है। थैंक यू।